अमेरिका और रूस के बीच तनातनी का इतिहास बहुत पुराना है, और जब से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तब से अमेरिका समेत नाटो देशों ने रूस पर कई तरह के वित्तीय प्रतिबंध लगा दिए थे, और उन प्रतिबंधों का एकमात्र लक्ष्य रूस की सैन्य क्षमता को कमजोर करना था। लेकिन उसके बावजूद रूस के हथियार बनाने की गति में कोई कमी नहीं आई। द टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस अमेरिका से 7 गुना ज्यादा हथियार बना रहा है। हालांकि अमेरिका को यह शक था कि रूस टर्की नकली कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से अमेरिकी तकनीकों का आयात कर रहा है। एक तरफ जहां नेटो देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, ऐसे में नेटो का सदस्य तुर्की जब रूस की मदद कर रहा है तो वह जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी सरकार ने 150 से अधिक ठिकानों पर व्यापक कार्रवाई कर 5 तुर्की कंपनियों और 1 तुर्की नागरिक पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका ने यह आरोप लगाया है कि तुर्की अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार कर रूस की मदद कर रहा है। जब रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत हुई थी तब भी अमेरिका यूरोपीय संघ से रूस पर व्यापक प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन ब्लैक सी के शिपिंग मार्गों के जरिए रूस और तुर्की दोनों के बीच व्यापार जारी रहा। लेकिन अब अमेरिका ने तुर्की के शिपिंग और व्यापार कंपनियों पर अपना चाबुक चलाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने उन संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया है जो रूस के ऊर्जा उत्पादन का विस्तार और भविष्य के लिए उसकी निर्यात क्षमता को बढ़ा रहे हैं। प्रतिबंधित संस्थाएं आर्कटिक एलएनजी 2 तरलीकृत प्राकृतिक गैस परियोजना सहित प्रमुख ऊर्जा परियोजनाओं और संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास में शामिल हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कहा कि उसने मर्जियाना इनसैट डिस टीका रोड पर प्रतिबंध लगाए हैं। इस कंपनी पर आरोप लगाया गया कि इसने रूस को कई ऐसे उपकरण सप्लाई किए हैं जो सैन्य ड्रोन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही डेमिरसी बिलिसिम टिकोरेट सनाई कंपनी पर प्रतिबंध लगाया क्योंकि इसने रूस को सेंसर और अन्य उपकरण भेजे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने डेनकर शिप कंस्ट्रक्शन पर प्रतिबंध लगाया क्योंकि इस कंपनी ने रूसी जहाजों के लिए मरम्मत सेवाएं प्रदान की। इसके साथ ही आईडी शिप एजेंसी और उसके मालिक इल्कर डोग्रियोल पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही सीटीएल लिमिटेड पर भी प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि इस कंपनी ने अमेरिका और यूरोपीय मूल के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को रूस में सप्लाई किया। तुर्की नेटो का सदस्य है। नेटो देश यूक्रेन की हर संभव मदद करने में पीछे नहीं हट रहे, लेकिन इसके बावजूद भी तुर्की रूस की मदद करता आ रहा है। नाम ना बताने की शर्त पर अमेरिका के ट्रेजरी अधिकारी ने बताया कि पिछले 18 महीनों में हमने तुर्की सरकार और निजी क्षेत्रों के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया है और उन्हें उन लोगों के साथ व्यापार करने के जोखिमों के बारे में बताया है जिन पर हमने प्रतिबंध लगाया है, जो इस युद्ध से भी जुड़े हैं। नेटो का सदस्य देश होते हुए भी तुर्की और रूस की दोस्ती पुरानी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाए हों। साल 2020 में जब तुर्की ने रूस में बने मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती अपने देश में रक्षा के लिए की थी, तब भी अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाया था।